ओके स्टूडेंट्स, अब लेक्चर नंबर 16 को हमने स्टार्ट करना है। वही सिलसिला हमारा कंटिन्यू है सर्किट डिज़ाइनिंग वाला। अब जो सर्किट हमने डिज़ाइन करना है, हम एक 3-बिट इवन नंबर डिटेक्टर बनाएंगे। यानी हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो यूजर से 3-बिट नंबर लेगा, यानी एक ही नंबर होगा 3-बिट वाला, यानी 0 से लेकर 7 तक की रेंज में कोई भी नंबर यूज़र इनपुट कर सकता है। आउटपुट के ऊपर आपका सर्किट बताएगा कि क्या उसने इवन नंबर इनपुट किया है या नहीं। अगर इवन नंबर इनपुट किया तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट कराने का क्या तरीका है, अगर कोई एलईडी होगी तो वो ग्लो करेगी, बजर होगा तो वो बजेगा, बल्ब है तो वो ग्लो करेगा। दैट डिपेंड्स कि आपने आउटपुट के ऊपर क्या चीज लगाई हुई। जैसे मेटल डिटेक्टर होते हैं, मेटल आता है तो वो बीप करता है, वो इंडिकेशन होती है कि मेटल डिटेक्ट हो गया। तो इवन नंबर डिटेक्टर भी यही काम करेगा कि जब यूजर इसके इनपुट के ऊपर 3-बिट का कोई इवन नंबर देगा तो आउटपुट के ऊपर उसकी इंडिकेशन आएगी, यानी आउटपुट 1 हो जाएगी। ओके, तो 3-बिट में जो हमारे पास नंबर्स हैं 2 की पावर 3, 8 नंबर हैं, यानी 0 से लेके 7 तक। तो 0 से लेके 7 तक कौन कौन से नंबर हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपके सर्किट ने क्या करना है, इसमें से इवन नंबर्स डिटेक्ट करने हैं। तो इवन नंबर्स कौन से हैं, 0 है, 2 है, 4 है और 6 है। यानी जब भी आपके पास ये वाले 4 नंबर्स आएंगे तो आपके आउटपुट 1 होनी चाहिए ताकि आपके इवन नंबर्स डिटेक्ट हो जाए, राइट। जब आपने डिटेक्ट कराना है, डिटेक्ट कराने का मतलब या तो चीज़ है या चीज़ नहीं है, तो उसके लिए यानी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए एक लाइन का आउटपुट के ऊपर होना काफ़ी है। जब वो 1 होगी इसका मतलब इवन नंबर है, जब वो 0 होगी इसका मतलब इवन नंबर नहीं है। तो जब आपने कोई चीज़ डिटेक्ट करानी होती है तो उसके लिए आपके पास एक लाइन होना काफ़ी है, उससे ज़्यादा लाइन्स की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक आउटपुट लाइन होगी आपके पास। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, तो 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। 3 इनपुट्स हैं तो 8 पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास। हमारी बारी इन सबको देखेंगे। सबसे पहले 0000 की बाइनरी है, 0 इवन नंबर है हमारे पास, तो आपकी आउटपुट 1 होनी चाहिए, राइट। ओके, अगला नंबर है हमारे पास 001 इवन है या ऑड है, 001 की बाइनरी है, 1 ऑड नंबर है, तो इसके ऊपर आपकी आउटपुट 0 होनी चाहिए क्योंकि आप इवन नंबर डिटेक्ट करेंगे, इवन नंबर नहीं है इसलिए आउटपुट पे डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगला नंबर है हमारे पास 010, ये 2 की बाइनरी है, 2 इवन नंबर है, आउटपुट पे डिटेक्ट हो जाना चाहिए तो आउटपुट 1 होगी, तो ये आउटपुट हमारे पास 1 होगी। अगला नंबर है हमारे पास, माउस के साथ साथ ट्रैक करेंगे, 011, तो 011 3 की बाइनरी है, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे आउटपुट 0 होनी चाहिए क्योंकि आपका सर्किट इवन नंबर्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो 011 के ऊपर आउटपुट होगी 0। अगला नंबर है 100, 4 की बाइनरी है और 4 हमारे पास इवन नंबर है, तो आउटपुट हमारी 1 आनी चाहिए कि यूजर ने इवन नंबर इनपुट किया, तो 100 के ऊपर आपकी आउटपुट 1 है। अगला नंबर है 101, 5 की बाइनरी है, 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर डिटेक्ट नहीं होना चाहिए तो आपकी आउटपुट 0 होनी चाहिए, आपकी आउटपुट 0 है। अगला नंबर है 110, 6 की बाइनरी है, 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर डिटेक्ट होना चाहिए तो आपकी आउटपुट 1 आनी चाहिए, या आपकी आउटपुट 1 आ गई। और लास्ट नंबर है 111, 7 की बाइनरी है, 7 ऑड है, तो इसके ऊपर आउटपुट हमारे पास 0 है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने बनाना है इसके लिए आउटपुट इक्वेशन को, तो इसके आउटपुट इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले देखें इसी टेबल को, मैं यहाँ से उठा के कॉपी कर लेती हूँ अपने पास ताकि हमारे पास इक्वेशन बनानी आसान हो जाए। तो ये इसकी आउटपुट इक्वेशन है। सबसे पहले देखें, पहला वन यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ये पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म ए कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरी टर्म आ गई। तीसरी टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये तीसरी टर्म आ गई। और चौथी टर्म ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये चौथी टर्म आ गई। 3 इनपुट्स हैं, 3 वेरिएबल के मैं बनाया, 0 0 0 ये आ गया, 0 1 0 ये आ गया,
100 ये आ गया और 110 ये आ गया। एक्सट्रीम कॉर्नर्स का चार वाला एक पेयर बन गया, एक ही वैल्यू पहले दो में जीरो है, अगले दो में वन है, चेंज हो रही है, उसको नहीं लिखेंगे। बी की वैल्यू पहले कॉलम में जीरो है, दूसरे कॉलम में वन है, चेंज हो रही है, उसको नहीं लिखेंगे। सी की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, तो सी की वैल्यू फिक्स है और वो जीरो है, तो उसके पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सर्किट, इसको हम यहाँ पे भी बना के देखते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। इसी को मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, वरना इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मेरे पास है सी कॉम्प्लीमेंट, बाकी की वैल्यूज की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आप एलईडी लगाएंगे, यहाँ पे आप वैल्यूज चेंज करेंगे। जब भी यहाँ पे आप किसी इवन नंबर की वैल्यू देंगे तो आपके पास आउटपुट के ऊपर एलईडी ग्लो करेगी, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेक श्योर कि आप मेरे से डिस्कस करें।